इस्तीफा निकाला है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है। एक तरफ कह रहे हैं साहब कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि 720 में से 720 पाने वाले 67 छात्र एक ही शहर से, फरीदाबाद से। अब एनटीए पर सवाल क्यों ना उठे? इसके बाद से ही तमाम जो परीक्षा थी शक के घेरे में आ गई थी, क्योंकि एक ही देखिए बिल्कुल शिवम, इसी के बाद से पूरी जो परीक्षा है सवालों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि एक ही संस्था, एक ही जगह, एक केंद्र से अगर 67 बच्चे जो हैं पूरे अंक लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इसके ऊपर उठ रहा था और संदेह का मामला बन रहा था। हालांकि यही नहीं, सोशल मीडिया पे भी कुछ एनआईटी के छात्र हैं, उन्होंने कुछ मार्कशीट वायरल करी थी, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था कि एक छात्र जो किसी जमाने में 12th फेल था लेकिन जब उसने नीट की परीक्षा दी तो पूरे के पूरे नंबर उसको मिल गए, यानी कि मेरिट लिस्ट में आया। तो ये ऐसे ही कुछ सवाल उठने लगे थे जो सीधे तौर पर परीक्षा के ऊपर संदेह बना रहे थे। बहरहाल देखिए, कांग्रेस के तमाम जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को अभी भी इंकित यही कर रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ है, बच्चों पूरी परीक्षा जो है उसको निरस्त करना चाहिए, एक बार फिर से पूरी परीक्षा होना चाहिए ताकि जो वो बच्चे जिन्होंने एक बेहतर भविष्य के साथ नीट की तैयारी कर रहे थे उनके साथ इंसाफ मिल सके, उनको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार की तरफ से या न्यायालय की तरफ से राहत मिल सके। बहरहाल लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भले ही ग्रेस के जो बच्चे हैं उनको राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यही मांग कर रहा है कि जो पेपर है उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दी जाए, पुनः उसकी परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से 3 अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है तो यही बात सामने इंकित होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, अगर हम देखें शिवम, तो राजधानी भोपाल सहित मध्यप्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें, इंदौर की मैं बात करूं, उज्जैन की बात करूं, तमाम अलग अलग जो शहर है जिसमें महानगरों की गिनती में शुमार किया गया है, उनमें कहीं ना कहीं छात्र सड़कों पर उतरे भी थे। हमने देखा था किस तरीके से अलग अलग प्रदर्शन के विरोध के माध्यम से अपनी बात सरकार तक और कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई थी, और कोशिश यही की गई थी कि तमाम जो छात्र हैं वो को वापिस जो एकदम भविष्य एक अंधकारमय हो रहा है, सीधे तौर पर जो परीक्षा में बैठे थे एक आस के साथ बैठे थे, पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे, उनके अभिभावक भी कहीं ना कहीं इसको परिणाम से जिस तरीके से हताश नजर आ रहे हैं, तो इसको उनको न्याय मिल सके, न्याय कितना मिल पाएगा ये तो देखिए अभी ये कहना काफी जल्दबाजी हुई, क्योंकि न्यायालय की तरफ से जिस तरीके से एनटीए ने जवाब दिया है न्यायालय में, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सिर्फ ग्रेस के जो छात्र हैं उनको ही अभी सीधे तौर पर राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं अभी उसका उनके साथ क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये थोड़ा अभी टेक्निकली जो है समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप के बाद पूरा मामला सामने निकल के जिस तरीके से जो एक जो पूरी समझाइश दी है, सीधे तौर पर एनटीए जिस तरीके जवाब दिया है, वो कहीं ना कहीं इस समय एक बड़ा जो है ग्रेस के जो छात्र है उनके लिए राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी अगर हम देखें तो हमारे से निर्णय के बाद अभी से थोड़े पे जब हमारे नीट के छात्रों से जब बात हुई थी तो वो अभी भी वो उसी बांग पे अड़े हुए हैं, अभी वो उनका यही कहना है कि तमाम जो परीक्षा है क्योंकि संदेह के घेरे में आ चुकी है, तमाम जिस तरीके से मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए हैं और जिस तरीके से एक ही केंद्र में बच्चे मेरिट लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी होने का संदेह दे रहे हैं, तो उनका यही अभी भी मांग है कि पूरी परीक्षा को निरस्त कर दी जाए और फिर से परीक्षा को जो है पुनः करवाया जाए। जी ठीक है, अंकुश के पास भी आऊंगा। अंकुश देखिए, एक सवाल क्यों ना उठे, नीट एक एग्जाम जो बच्चों का सपना होता है, नीट जो माँ बाप का सपना होता है कि साहब नीट बच्चा क्वालिफाई करेगा, उसको एक अच्छा संस्थान मिलेगा, अच्छा एक इंस्टीट्यूट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनेगा, उनकी देखभाल करेगा, समाज में सेवा करेगा, बच्चों का सपना होता है। 8th क्लास से 9th क्लास से हम देख रहे हैं कि साहब फाउंडेशन कोर्सेस होते हैं, क्रैश कोर्सेस होते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है कोटा, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, और वहां पर जाके वो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब धांधली होती है तो सवाल क्यों ना उठे, जब एक साथ 67 स्टूडेंट्स टॉपर हो जाएंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे, जब 720 में से 719 718 मार्क्स आएंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर वो सवाल बिल्कुल लाजमी है पूछना, क्योंकि एक साथ एकदम से एक ही संस्थान के छात्र अगर मेरिट में आते हैं और एक ही शहर के,